यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भले ही दे रहे हों, लेकिन इसका असर धरातल पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से प्राइवेट स्कूल संचालक मनमानी पर उतारू हो गए हैं। स्कूल संचालक मनमानी करके महंगी फीस की वसूली कर छात्रों का नाम काट कर बाहर निकाल दे रहे हैं। शिक्षा को व्यवसाय के रूप में परिवर्तित कर अकूत धन कमाने पर आमदा ये मनभड़ स्कूल संचालक सभी नियम और कानून को ताक पर रख चुके हैं। ऐसा ही एक मामला कुशीनगर जनपद के हाटा स्थित संत पुष्पा इंटर कॉलेज से सामने आया है, जहां बच्चों के भविष्य पर चौपट का ठप्पा लगाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दरअसल ये स्कूल अपने अजीबोगरीब हरकत से हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। जिम्मेदार अधिकारियों के गलबहिया रवैये को इस स्कूल के प्रबंधन हथियार बनाकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। इस स्कूल के जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई न होने से इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है, जिससे संत पुष्पा इंटर कॉलेज छात्रों से मनमाना महंगी फीस की वसूली कर नर्सरी से 9वीं और 11वीं तक की पढ़ाई कराकर उनके भविष्य पर चौपट का ठप्पा लगा देता है। नर्सरी से अब तक 10 से 12 साल तक पढ़ने के बाद ये विद्यालय बच्चों के भविष्य को चौपट करने का प्लान तैयार कर स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा देता है। संत पुष्पा इंटर कॉलेज बच्चों का नाम काट कर टीसी देते हुए ये बता रहा है कि ये बच्चे अयोग्य हैं। इस पर भी छात्रों के अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए कि जिन बच्चों को 10 से 12 साल तक पढ़ाने के बाद जो स्कूल स्वयं अयोग्य घोषित कर रहा है, तो विद्यालय की योग्यता पर सवाल खुद ही खड़ा हो रहा है। फिलहाल ये बात अलग है, लेकिन 9वीं और 11वीं के बच्चों को इस समय स्कूल से निकालने पर उनका समय काफी बर्बाद हो जाएगा और उनका एडमिशन दूसरे स्कूल में कैसे हो पाएगा, इस बात पर स्कूल प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों को जरूर ध्यान देना चाहिए। संत पुष्पा इंटर कॉलेज की इस मनमानी से छात्रों के अभिभावक काफी नाराज हैं और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित भी। सभी छात्रों के अभिभावक अलग अलग अपनी पीड़ा और व्यथा सुना रहे हैं। बच्चों को लेकर परेशान इसलिए है, हर साल एडमिशन कराने जाते थे, इस बार भी बच्चे का 11वीं पास हुआ, कहा एडमिशन कराना है, डेट आया, डेट पे मैं गया तो वहाँ पता चल रहा कि नहीं, इस बच्चे का वो लॉक कर दिया गया है, विद्यालय की तरफ से एडमिशन नहीं होगा, प्रिंसिपल से मिल लीजिए। प्रिंसिपल से 2-3 बार मैं प्रयास किया मिलने के लिए, वो मिलती नहीं थी किसी से। उसके बाद एक दिन मिली तो कह रही है कि यहाँ बच्चे का एडमिशन उसका नहीं होगा, ये सब पढ़ने में कमजोर हैं, बदमाशी करते हैं। तो बदमाशी करते हैं अगर तो बच्चे क्या वो लोग व्यवस्था किए, अनुशासन की जब बात करता है विद्यालय, कम से कम अनुशासन होना चाहिए। हमारे घर पे तो बच्चा बदमाशी कुछ नहीं करता है, वहां से पता चला बदमाशी करता है, और यही दिक्कत है, दूसरा क्या बताया जाए। कमजोर बताया गया, कमजोर तो बताया ही जा रहा है। जैसे 10वीं पास हुआ, 10वीं में वो पास हुआ, 75% उसका नंबर है, कमजोर ही मान लेते हैं। 11वीं भी पास कर गया तो 12वीं में कैसे कमजोर हो गया। LKG से जब बच्चा वहां पढ़ रहा है तो किसी भी क्लास में वो कहती कमजोर है, निकाल दें। इंट्रेंस एग्जाम लेते हैं लोग, बाकायदा अनुशासन में रखते हैं, टाई नहीं लगाया जाएगा निकाल देंगे लोग क्लास से, सारा उनका सिस्टम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कोई बच्चा नहीं जा सकता पढ़ने। जब इतना सिस्टम है उसके बाद कैसे कमजोर हो गया। कमजोर हो गया तो हम लोग के साथ धोखा है विद्यालय प्रशासन द्वारा, कि कैसे हमारे बच्चे का देखभाल करें कमजोर हो जा रहा है। हम तो यही जान के एडमिशन कराए कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा होशियार होगा, तेज होगा, किसी लायक बनेगा। अब बता रहे हैं लोग इंटरव्यू नहीं, आपका बच्चा कमजोर है, हम क्या करेंगे। नहीं, RGRS के माध्यम से मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत किया गया, उसकी जांच भी हुई, लेकिन जांच में लीपा पोती की गई है। रिवीजन किए हैं हम, लेकिन उसका अभी जांच नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हमारे बच्चे संत पुष्पा इंटर कॉलेज ढाढ़ा हाटा कुशीनगर में पढ़ते थे, कक्षा LKG से, और हाई स्कूल वहीं पास किया, 11वीं में परीक्षा दिया है, और जब 12वीं का एडमिशन के लिए गए तो वहाँ विद्यालय प्रशासन कई बार चक्कर लगाए, यहाँ प्रिंसिपल मैडम मिलती नहीं है, अपने आवास पर रहती है, कभी आती नहीं है। कई बार प्रयास करने के बाद जब बुलाया गया तो आके कह रहे कि आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, पढ़ते नहीं हैं, और इस विद्यालय में नाम नहीं लिखा जाएगा, इस कंप्यूटर में लॉक कर दिया गया है, कंप्यूटर नहीं उठाएगा। तो भाई पूछेगा कि बच्चे मेरे कमजोर कैसे हो गए, आपके विद्यालय में जब LKG से और 11 तक पढ़े, आज तक कभी एक बार भी गार्जियन से शिकायत नहीं की, कभी कोई नोटिस नहीं दिया, और अकस्मात 11वीं में आकर के बच्चे हमारे कमजोर कैसे हो गए, आप किस तरह से पढ़ा रही थी, आपकी पढ़ाई पे क्या है, विद्यालय में हम अच्छे विद्यालय जान के पढ़ाने के लिए भेजे थे, लेकिन आज तक कोई शिकायत नहीं गया, और एक बैग आप कह रहे हैं कि बच्चे कमजोर हैं, पढ़ने में कमजोर हैं, और 11वीं में रजिस्ट्रेशन भी, 11वीं और इंटर की रजिस्ट्रेशन भी वहीं हो चुका है, तो लिहाजा कहीं अन्य जगह एडमिशन भी नहीं हो सकता है।
तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दो साल उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अधिकारियों से यही चाहते हैं कि भाई उसकी जांच कर उस विद्यालय के प्रबंधक और प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई किया जाए और बच्चों का एडमिशन वहाँ कराया जाए। अच्छा, LKG से 11th तक क्लास किया हूँ वहाँ पे संत पुष्पा इंटर कॉलेज में, अभी तक कभी गलती नहीं हुई थी। पता नहीं क्यों सिस्टर बोल रही हैं कि नाम नहीं लिखेंगे 12th में, तो दिक्कत पूछने की वजह से बोल रही हैं कि क्लास में मतलब चंठई की हो। स्कूल में हम पढ़ते हैं संत पुष्पा इंटर कॉलेज में ढाणा आटा कुशीनगर, 6th क्लास से ही हम पढ़ रहे थे वहाँ पे। हर क्लास में अच्छा परसेंट भी आया है, 10th में 75 आया था, फर्स्ट ईयर में पता नहीं क्यों मतलब चला स्कूल और फिर सेकेंड ईयर में नाम काट दिया गया। इस पूरे मामले पर जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र सिंह ने बताया कि इस तरह की शिकायत कार्यालय को नहीं मिली है, किसी अभिभावक के द्वारा टेलीफोन पर इसकी जानकारी दी गई है। यदि लिखित शिकायत मिलती है तो टीम बनाकर जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कोई शिकायत हमारे स्तर तक नहीं मिली है। दूरभाष पर एक गार्जियन ने कल बात किया, उनसे भी हमने कहा और आपके माध्यम से भी कहते हैं कि लिखित रूप से दो चार लोग शिकायत इसकी करें, हम कमेटी बना करके इस प्रकरण की जांच कराएंगे और जो तथ्य आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो हम जांच कराने के बाद ही जो स्थिति आएगी उसके अनुसार निर्माण सरकार। फिलहाल अब देखना यह है कि इस मामले पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाती है या कागजी घोड़ा दौड़ा कर बच्चों के भविष्य पर चौपट का ठप्पा लगाने वाले जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाती है। MKN न्यूज के लिए कुशीनगर से अनुराग रंजन यादव की खास रिपोर्ट। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अनुराग जी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जिस तरीके से स्कूल की मनमानी देखने को मिल रही है, क्या लगता है छात्रों के भविष्य पर इसका किस तरीके से असर देखने को मिलेगा? जी, मैं आकांक्षा आपको बता देना चाहता हूँ, ये हाटा कोतवाली क्षेत्र में एक संत पुष्पा धारा में स्थित है कॉलेज है और ये नर्सरी से लेकर और 11वीं तक बच्चे पढ़े हैं। लगभग 100 बच्चों को TC देकर बाहर निकाला गया है। ये बहुत ही निंदनीय काम किया गया है जो शिक्षा के साथ छेड़छाड़ किया गया है बच्चों के साथ। वही अनुराग जी, अगर बात करें तो जिस तरीके से सरकार एक और बड़े बड़े शिक्षा को लेकर दावे करती है, वादे करती है, और दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आती हैं वो इस तरीके की होती हैं कि छात्रों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या लगता है इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? अभी अभी जो भी है अभिभावक, बच्चों के अभिभावक है, जगह जगह DM से लेकर हर जगह IGRS के माध्यम से ये लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ लीपापोती किया गया है। ठीक है अनुराग जी, कार्रवाई करने का मतलब हो ही नहीं रहा कार्रवाई। ठीक है अनुराग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।